मतलब सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो कन्विक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे वो स्टे कर दिया गया। इसका मतलब क्या होते हैं, दोबारा उनको वापस सदन की कामकाज में भाग लेने की अवसर मिल जाते हैं। और इसके पहले जो जिम्मेवारी बनते हैं स्पीकर साहब की सेक्रेटरियट को, उसको इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जिस त्वरित गति से, जिस रफ्तार से राहुल जी का सदन से सदस्य पद खारिज करने के लिए तत्परता दिखाई, वही तत्परता राहुल जी के वापसी के लिए जरूरी है। तो इसी के चलते मैं, भाई लाइट बंद कर दीजिए, इसके चलते मैं कल स्पीकर साहब को रात में फोन भी किए थे, ये कहते हुए कि स्पीकर साहब राहुल गांधी जी की सदन में वापसी करने हेतु कुछ कोर्ट की जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं, हमारा चिट्ठी भी आपको देना चाहते हैं, तो आप मुझे इजाजत दे कि आपको घर जाए। तो स्पीकर साहब ने मुझे सलाह दिए थे कि आज नहीं, मैं कल आपसे बात करेंगे, कल आप मुझे फोन करो। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे, तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की, सेक्रेटरी जनरल की तर्क ये है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है, तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को। तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो। तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं, छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। कहते कि हाँ वो व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, आप डाक में किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, मैं डाक को कह देते हैं कि आपको चिट्ठी रिसीव करने के लिए। तो उसी के तहत मैं डाक वाले के पास भेज दिया, अंडर सेक्रेटरी थे सदन में, उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें सिग्नेचर तो करी लेकिन वो सील छप्पा कुछ नहीं दी। तो मैं एक की बात एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है सारे दिखाते रहूंगा। हमारा सदन चले और सदन में राहुल गांधी जी वापस आए, जब राहुल गांधी जी कोर्ट से, जब राहुल गांधी जी को राहत मिल चुके हैं, किसी बजाय से उनके लिए सदन में आने में कोई दिक्कत ना हो, यही हमारा गुजारिश कहिए, दरखास्त कहिए स्पीकर साहब और उन दफ्तर से है।